और बीकानेर पूर्व विधानसभा की विधायक सिद्धि कुमारी और महिमा कुमारी पर धोखाधड़ी और रुपए ऐंठने का दबाव डालने के आरोप में बिछवाल पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। जयपुर की मेसर्स गोल्डन ट्रायंगल फोर्ट्स एंड पैलेस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक राजीव मिश्रा की ओर से बिछवाल थाने में दर्ज कराए मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि होटल लक्ष्मी निवासी के संचालन के लिए विधायक सिद्धि कुमारी और महिमा कुमारी ने रुपयों की वसूली की, होटल खाली करवाने के लिए डराया धमकाया और 10 करोड़ रुपए की मांग की। परिवादी के साथ छल कपट किया गया, रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ की गई और खुर्दबुर्द कर दिया गया। परिवादी की ओर से बताया गया है कि वर्ष 1999 में लक्ष्मी निवास होटल 57 साल की लीज पर लिया गया था और इसके संचालन के लिए करोड़ों रुपए की वसूली की जा चुकी है। प्रताड़ित करने के लिए होटल के रास्ते भी बंद किए गए, जांच सीआईडी सीबी को दी जाएगी। और विमेन का वेलफेयर कितना इम्पोर्टेंट है, इट इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। विमेन डिग्निटी इज अटमोस्ट इम्पोर्टेंट एंड ये यूज हुआ है बीकानेर की जनता के अंदर, स्पेशली जो महिलाएं हैं उनके लिए इतनी सुविधा दी गई है, ये यूज हो, हाइजीनिक हो और करोड़ों रुपए की वसूली करने का आरोप है और विधायक सिद्धि कुमारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। धोखाधड़ी और रुपयों के लिए दबाव डालने का आरोप है। होटल लक्ष्मी निवास के संचालन से जुड़ा हुआ ये मामला है। बिछवाल पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी श्याम आरूफ ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं। श्याम, क्या कुछ पूरी जानकारी, क्या ये मामला है और फिलहाल क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है? यह है, ये सिद्धि कुमारी बीकानेर पूर्व विधानसभा क्षेत्र की विधायक है और जो लालगढ़ जो होटल है उसको लेकर के ये काफी समय से जो विवाद चल रहा है और इसको लेकर के ऐसा आरोप लगाया गया है कि सिद्धि कुमारी ने उस होटल के संचालन के लिए उनसे रुपए ऐंठने की बात की गई है। साथ ही साथ में कुछ उनको धमकाने का भी आरोप लगाया गया है। जो होटल को संचालित कर रही है वो जयपुर की एक कंपनी है जो होटल को संचालित कर रही है और उन्हीं की कंपनी के एक जो यहाँ पर प्रदेश के काम देखते हैं उन्होंने मामला दर्ज करवाया राजेश पे और अब देखने वाली बात है इस मामले में कितनी सच्चाई है और कितनी वो है ये तो बता उच्च स्तरीय जांच के बाद ही पता चल सकेगा। फिलहाल मामले की तह तक जाने के लिए पुलिस जो है उच्च अधिकारी से संपर्क में है। जी चलिए, शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए शाम आपका। तो धोखाधड़ी और रुपयों के लिए दबाव डालने का आरोप है। बिछवाल पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। फिलहाल और बारीकी से मामले की जांच पड़ताल हो रही है।